यहाँ पे हमारे जो वाटरशेड एरिया के तहत 6-7 पॉन्ड्स हैं हमारे, जिसमें 6 हमारे फुल कंप्लीट है और एक अंडर कंस्ट्रक्शन है, उस 10 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगा हमारा। तो पर्पज़ इसका यही था कि लोगों की एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जो स्कार्सिटी ऑफ वाटर है, शॉर्टेज ऑफ वाटर, एटलीस्ट 300 लोग रहते हैं इस गांव में, तो उन 300 लोगों की पानी की जो पीने की पानी की कमी थी वो भी पूरी हुई है। आसपास आप देख रहे हो लश्ग्रीन एरिया है, सिंचाई का जो साधन जिसके पास मोटर है मोटर से आके यूज़ कर लेते हैं, ये बाकी काम उनके जो जो लाइफ में एक रेनोवेटिव चेंज आई है। ये तालाब जो है हमारे विलेज में जी, कोई 14 तालाब हैं, जो बाकी वाले तो अनकम्प्लीट है। ये 2-4 तालाब ऐसे हैं जिससे हमको सिंचाई का भी काम मिलता है, गाय भैंस के लिए भी इसका पानी इस्तेमाल होता है, और पीने के लिए कभी कभी ऐसा मौका आ जाता है जब हमारे जो नलके नहीं थे हमारे जहाँ, तो उस वक्त हम यही तालाब का पानी पीते थे। और ये दोनों तालाब ऐसे हैं जो कि रेवेन्यू रिगार्ड में भी हैं। पहले हमारा गाँव में पानी नहीं था, क्योंकि हमारा गाँव जो है प्रवाह जगीर जी बड़े ऊंचाई पर है, तो जहां पानी की बड़ी समस्या थी। लेकिन अभी जो वाटरशेड स्कीम हमारे जहां आई है, तो ये हमारी थोड़ी हेल्प की, इन्होंने कुछ तालाब बनने में हमारे को फायदा हुआ, और इसका हमको बहुत बड़ा फायदा है।